साथियों, डबल इंजन की सरकार में आज यूपी जिस तरह आधुनिक हो रहा है, ये वाकई अभूतपूर्व है। जिस यूपी में, जरा याद रखना दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? बार बार लोगों को बताओगे? तो याद रखिए, जिस यूपी में सरयू नहर परियोजना का पूरा होने में 40 साल लगे, जिस यूपी में गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 30 साल से बंद पड़ा था, जिस यूपी में अर्जुन डैम परियोजना को पूरा होने में 12 साल लगे, जिस यूपी में अमेठी राइफल कारखाना सिर्फ एक बोर्ड लगा करके पड़ा हुआ था, जिस यूपी में रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री डिब्बे नहीं बनाती थी, सिर्फ डब्बों का रंग रोगान करके काम चला रही थी, उस यूपी में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है कि उसने अच्छे अच्छे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, पूरे देश में अब यूपी की पहचान बदल रही है। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आज यूपी का नाम रोशन हो रहा है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप पूरा हिंदुस्तान यूपी के प्रति बड़े अच्छे भाव से देख रहा है, आपको आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और साथियों, बात सिर्फ हाईवे या एयरवे की नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, खेती किसानी हो, यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पहले की सरकार के समय यूपी में हर साल, ये भी याद रखना, रखोगे? रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, रखोगे? पहले की सरकार के समय यूपी में हर साल औसतन 50 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण होता था। कितना? कितने किलोमीटर? कितने किलोमीटर? 50। पहले, हमारे आने से पहले रेलवे का दोहरीकरण 50 किलोमीटर। मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, भविष्य कैसे गढ़ता है देखिए। आज औसतन 200 किलोमीटर का काम हो रहा है, 200 किलोमीटर रोल लाइन का दोहरीकरण। 2014 से पहले यूपी में सिर्फ 11,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। जरा आंकड़ा याद रखिए, कितने कितने? 11,000। आज यूपी में 1,30,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा याद रखोगे? एक समय में यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आंकड़ा याद रहा? कितने मेडिकल कॉलेज? जरा जोर से बताइए, कितने? 12 मेडिकल कॉलेज। आज यूपी में 35 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है और 14 नए मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है।